अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई टेक्निकल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड, अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाह रहे हैं या यूट्यूब पर आप अभी काम करना शुरू करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आज आपको बताने वाला हूं कि कुछ लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं कि 1000 व्यूज लें, क्या कहते हैं 4000 ओवर वॉच टाइम लें, फ्री में लें, ये लें, वो लें। आज इनकी हकीकत बताता हूँ आप लोगों को, और आपको बताता हूँ कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और बहुत से लोग इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, सच हमेशा सबको कड़वा लगता है। तो अब मेरे चैनल पे हमेशा सच चीजें ही होती हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोला, और आपको सच ही बताऊंगा कि यूट्यूब पर लोग क्या कर रहे हैं और यूट्यूब क्यों इतनी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर काम नहीं किया या करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, हो क्या रहा है कि मेरे ख्याल से फेसबुक पे देख रहा हूँ, जबकि ये पॉलिसी आई है 4000 ओवर टाइम की और इसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर की, लोग क्या कर रहे हैं, अब बेच रहे हैं सब्सक्राइबर बेच रहे हैं, उसके अलावा वॉच टाइम बेच रहे हैं। दोस्तों, फेक वॉच टाइम लेना, आपको क्या पता है यूट्यूब बच्चा आपको लगता है? यूट्यूब ने आपकी ये भी ट्रिक पकड़ ली थी, जो आपने 10,000 व्यूज बोर्ड से लिए, जहां से लिए आपने ले लिए, लेकिन यूट्यूब ने ट्रिक पकड़ ली। तो ये जो ट्रिक है ये भी पकड़ी जानी है। जो लोग आरटीपी यूज कर रहे हैं, मुझे पता लगा है वो आरटीपी यूज करके व्यूज बेच रहे हैं, और इसके अलावा और ये वॉच टाइम बढ़ाने के लिए एक और इन्होंने 10 उनको क्या कहते हैं 40 गूस्ट ब्राउजर, तो और ये काम वो काम। दोस्तों, ये सब इलीगल है, ठीक है, यूट्यूब की नजर में। मैं कहता हूँ आप एक हफ्ते के अंदर अंदर मोनेटाइजेशन ऑन करवा लेंगे, मैं ये मानता हूँ। आप एक घंटे की, दो घंटे की वीडियो बनाओ, वीडियो बना के उसको आरटीपी पे छोड़ दोगे, ठीक है, उसका वॉच टाइम बढ़ता रहेगा और वो चलती रहेगी, तो आपका वॉच टाइम एक ही दो दिन में आ जाएगा। मैं मानता हूँ इस चीज को, आपकी मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं है। फ्यूचर सिक्योर इसलिए नहीं है क्यों, अगर आप ये काम करेंगे तो आपका कभी ना कभी चैनल बंद हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारा चैनल बंद हो गया, हमने कुछ गलती भी नहीं की थी। दोस्तों, यूट्यूब पागल नहीं है, वो आपका चैनल देखता है, मैनुअली देखता है, जब आपकी कोई गलती होती है तभी वो आपके चैनल को बंद करता है। तो आप अगर गलती करेंगे तो फिर आप यूट्यूब को क्लेम मत किया करें उसने हमारा चैनल बंद कर दिया। दोस्तों, आपकी गलती होती है तो इस वजह से होता है, ये स्कैम करना बंद करें और मेहनत करें। आपको पता है मेहनत कभी रायगी नहीं जाती, मेहनत करेंगे तो आपको फल भी मिलेगा। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन आप हर तरीका आप शॉर्टकट ढूंढते हो। आपने मेहनत तो करनी नहीं है और लोगों से व्यूज लेने शुरू कर दिए, वॉइस टाइम लेना शुरू कर दिया। मैं आपको टिप्स देता हूँ, टिप्स ये है कि डेली बेस पे वीडियो डालो, अच्छे थंबनेल बनाओ और इंटरेस्ट पे काम करो। अगर जिस चीज पे आपको इंटरेस्ट है उस पे काम करोगे उस पे आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे मुझे है कंप्यूटर पे, मैं बनाता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और अगर मैं बनाना शुरू कर दूँ वीडियोस डॉक्यूमेंट्री पर और इससे उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा और मेरा दिल भी नहीं करेगा उस पर वीडियो बनाने का, लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि दूसरे लोगों की वीडियो वायरल हो रही है और मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, एक दो वीडियो वायरल होंगी उसके बाद आपका चैनल डेड हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही करने का मजा नहीं आएगा। तो अगर आपको जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, लोगों के पीछे मत लगें, कॉपी मत करें किसी की, खुद जो आता है वो करें, फिर आप कामयाब हो सकते हैं, वरना अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो सकते। जितना मर्जी आप वॉइस टाइम ले लें, जो मर्जी कर लें, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है यूट्यूब पर अगर आप ये दो नंबरी तरीके से काम करेंगे। और उन यूट्यूबर से थोड़ी सी मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप वीडियो वायरल करना चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे 4000 वॉइस टाइम किस तरह लें, ये करें वो करें, यार इस तरह की वीडियो मत बनाओ, क्योंकि लगा दे कि आप लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सके। तो इसलिए ये इन जो यूट्यूबर हैं उनसे गुजारिश ये है कि इस तरह की वीडियो मत बनाएं, और अगर आप ये वीडियो बनाएंगे तो लोग आपकी तरफ देखे, फिर दूसरे लोग भी बनाएंगे, इस तरह ये फैलती हर तरफ फैल जाएगी और फिर यूट्यूब को पता लग जाएगा कि ये फिर से दो नंबरी काट रहे हैं, उन्होंने फिर कोई पॉलिसी बना देनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और हमेशा अपना वर्क करो, किसी को कॉपी मत करो, ये मेरी सलाह याद रखना, और हार्ड वर्क करो, ना कि शॉर्टकट मत ढूंढना करें। आप हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं जिसकी वजह से आप नाकाम हो जाते हैं, हमेशा लॉन्ग थोड़ा वक्त लगता है कुछ, आपको पता है एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है, बुराई काम करने में
आप जल्दी फेमस हो जाते हो, लेकिन बाद में वो खत्म हो जाती है। जब अगर अच्छा ही तरीके से अगर काम करो तो वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, और आप फेमस भी रहोगे और उसका फायदा भी होगा और अर्न भी कर सकोगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।